सतगुरु की प्यारी साध संगत जी महाअभियान इंसानियत की सेवा के जो फार्म है वो दोनों साइड में भाइयों की तरफ भी बहनों की तरफ भी आगे की साइड में भरे जा रहे हैं। तो वो भाई बहन जो फार्म भरना चाहते हैं वो फार्म भर लें जी, क्योंकि हुजूर पिताजी के वचन है भंडारों से भी बढ़कर फल मिलेगा, दुगनी चौगनी खुशियां मिलेंगी। तीन वचनों की तरह अगर आप इस अभियान में सेवा करना जरूरी समझेंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। सेवा सत्संग सुमन का फल हर अभियान में पहले से भी बढ़कर मिलेगा। जिसका जैसा पेशा है उसे उसी प्रकार की सेवा मिलेगी, जैसे डॉक्टर इंजीनियर प्रवक्ता आदि। बाकी परोपकार महाभियान के फार्म भी भरे जा रहे हैं। मरणोपरांत नेत्रदान, नियमित रक्तदान, शरीर दान, दिल दान, फेफड़े दान, जीते जी गुर्दा दान, कभी भी रिश्वत न देने का प्रण, कभी भी रिश्वत न लेने का प्रण, विवाह में दहेज न लेने का प्रण, बच्चा नवजात शिशु गोद देने का प्रण, समलैंगिकता त्यागने का प्रण, भक्ति योद्धा बनने का प्रण, निःशुल्क मकान बनाकर देने का प्रण, हम एक हमारा एक का संकल्प लेने का फर्म। तो हुजूर पिताजी के इतने वचन है भाई, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और अब भाग्यशाली हैं आप जी जो फार्म भर लेते हैं। तो विनती है उन भाई बहनों से जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं भरे हैं वो फार्म अवश्य करके भर लें जी। और एक बार फिर विनती उन भाई बहनों से जो कन्नातों से बाहर हैं वो जल्दी आके सात संगत के साथ मिलके बैठे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। सतगुरु तेरा ही आसरा श्री लालचंद जी इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा मेरा मेरा। लगा मीठा मीठा हमको एहसास, दिल में बसे हो भगवान आप ही आप। उससे मुलाकातें खुली बातें सरे आम है, दूर हुआ गमों का अंधेरा, खुशियों का चमका नया सवेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूम ये मन मेरा।
से करूं क्या तुलना, नहीं कोई सानी, हुआ है ना होगा कोई ऐसा दिल जानी। बड़ी मन मोहनी कैसी सोहनी सब अदाए, देखा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा मेरा मेरा। जब से बंधी है तेरे प्रेम की डोर, मस्तियों में झूमे मेरे मन का मोर। बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी न्यारी हर बात है, महका खुशबू में चार चुफेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा मेरा मेरा। शासत नाम जी गुण कैसे कोई गाए, सागर मट के में कैसे समाए। बड़ा प्यारा प्यारा है नजारा हर बात में, देखा घट घट में तेरा ही डेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा मेरा मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चे सौदे च पैंदियां दसां, सच्चे सौदे च पैंदियां दसां, जी सतगुरु तेरियां, जी सतगुरु तेरियां, जी सतगुरु तेरियां। सच्चे सौदे च पैंदियां दसां, सच्चे सौदे च सतगुरु तेरिया, जी सतगुरु तेरिया, जी सतगुरु तेरिया।
जी प्यारी सत्संग जी सतगुरु मौला कण कण में जरे जरे में मौजूद हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है यहां वो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ना हो, हर जगह है वो, कण कण में जरे जरे में मौजूद है। पर उसको पाने के लिए सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में जब तक जीव आता नहीं, परमपिता परमात्मा का पता चलता नहीं। सत्संग सुनेगा, अमल करेगा तो उस मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनता चला जाएगा। जब तक इंसान को यह मालूम नहीं कि आपकी मंजिल कौन सी है,
रास्ते कैसे तय कर पाएंगे। पता हो कि मैं फला मंजिल पे जाना है तो रास्तों का भी पता चल जाया करता है। उसी तरह सत्संग में आते हैं तो पता चलता है इंसान की मंजिल कौन सी है, जिंदगी का क्या मकसद है, किस लिए मनुष्य जन्म मिला है, और फिर रास्ता भी सत्संग में मिल जाता है कि ये आपकी मंजिल है और इस रास्ते को तय करते हुए, इस रास्ते पे चलते हुए आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। और वो मंजिल अल्लाह वाहिगुरु मालिक है, रास्ता उस तक जाने वाला नाम गुरु मंत्र है। तो सत्संग सुने और सुन के अमल करें तो बेड़ा पार हो जाता है। जब तक इंसान सत्संग सुनता नहीं मानेगा कहां से। चलो सुन लिया तो फिर मानना भी जरूरी है। सुनो और अमल करो, अमल से ही बेड़ा पार होता है। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तो वो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए वचन सुनो और अमल करना सीखो। सत्संग बेइंतहा खुशियां देने वाला होता है, पर खुशियां लूटते वही हैं जो सुन के अमल करते हैं। दवा किसी भी डॉक्टर की अच्छी हो, फायदा उसी को होता है जो दवा लेके खाया करते हैं। दवा लेके रख दो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। संत वचन करते हैं और वो बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जिनके लिए संत वचन करते हैं। वचन सुन ले, मान ले, पौ बारह पच्ची, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। और अगर मन मता चलता रहता है, मन के अनुसार हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो मन एक बार सब्ज बाग दिखाता है, खुशियां आएंगी, तंदुरुस्ती लगेगी, बहुत कुछ, और फिर ऐसे मकड़ जाल में फंसाता है मक्खी मुंह से नहीं उड़ाई जाती, हाथ पांव हिलाने मुश्किल हो जाते हैं, परेशानियों में लज्जत क्या है, स्वाद क्या है, सब भूल जाता है। तो संतों के वचन सुनो और अमल करना सीखो। अगर आप मन मते चलेंगे तो एक दिन मुंह की खानी होगी। सत्संग भागों नसीबों से मिलता है, इस कलयुग में नायाब है। अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की चर्चा, बाकी सब फजूल है। तो इसलिए सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सुन के अमल करोगे, वचनों पे रहते हो, सुनते हो, आगे बढ़ते हो, तो मालिक की वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो भाई यही अति जरूरी है कि आप सत्संग सुना करें और अमल किया करें, ताकि मालिक के परमानंद की प्राप्ति आपको हो सके, अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएं। तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, ये दीन दुखियों मध्य बैंक में 2977 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्य दान का पन 3 मेंबर, श्री दान का 3 मेंबर पन करें, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम रविंदर कुमार, पुत्र प्रकाश चंद जी का निवासी डब्बवाली, जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम ज्योति, इन सब पुत्री गिरधारी लाल इंसान जी की निवासी लुधियाना, जिला लुधियाना पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। गुड़िया शास्त्रम जी की नेवर फोर्स विंग की मेंबर है, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद। तो विवाह शादी वाले दोनों परिवार तन मन धन से दीन दुखी मदद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी।
तो जो भी साध संगत आश्रम में आई है जी, उसमें से कुछ सेवादार जाना चाहते हैं, 7 से 10 दिन वाले सेवादार प्रसाद ले जाना, सारे परिवार को आशीर्वाद कहना, जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक जोड़ियों में डाले आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं सीमा इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, परिवार सहित खड़े हो जाएं। दीवान चंद इंसा सिंगापुर से दीन दुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाते हैं जी, परिवार के लिए आशीर्वाद चाहते हैं जी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, सुमन करते रहना, बचनों पर रहना, मालिक साथ है बेटा, और प्रसाद ले लेना, एमएसजी एडम में मिल लेना, आशीर्वाद 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 बेटा, बैठ जाए। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा है जी, ऐसे 2 परिवार आए हैं बठिंडा पंजाब से, दीन दुखी मध्य बैंक में उनकी याद में 5100 रुपए जमा करवाते हैं, खड़े हो जाए जी। डकारा पुख्ता बुदायूं यूपी से आए हैं, इनके चाचा ने छोड़ा छोड़ा, दीन दुखी मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती, अस्थियां फूल लेके आयो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या कहीं भी बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाता है। सुप्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, जो जख्म देता मरहम भी जरूर देता है जी। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नो शाम दीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है जी, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादर भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरे आसरा, थोड़े समय के लिए ऐसे प्रेम से बैठ रहे हैं।